أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. उमर इतनी तो अता कर दे मेरे फन को खालिक, उमर इतनी तो अता कर दे मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज दोस्तों मोटापा कम करने का एक नुस्खा और तरीक़ाकार आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मोटापा कम करना और पेट कम करना हर बंदे का एक ख्वाब है। पहले हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर उसको ख़त्म करने के लिए हमारी तगोदाव शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि दिन का जो खाना है यानी दोपहर का खाना हम जिसको कहते हैं उसको पहले कम करना है। आहिस्ता आहिस्ता कम करने के बाद फिर उसको छोड़ देना है। ये याद रहे कि ये जो काम हमने करना है फौरन नहीं छोड़ना। दिन का खाना, जिनकी आदत है दोपहर का खाना खाने की, वो फौरन मत छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता दोपहर का खाना छोड़ दें। और यानी कि सुबह टाइम खाना खाएं और फिर शाम टाइम खाना खाएं। और उसकी बेहतरीन तरतीब रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक में हमारी ये प्रैक्टिस करवाई जाती है पूरा एक महीना अल्लाह ताला की तरफ से। ताकि और हमने देखा भी है कि जब हम रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी। तो रोज़े के फ़ायदे अपनी जगह हम सबको मालूम है। तो यही है, ये पहला स्टेप है। दूसरा ये है कि जौ का सत्तू रोज़ाना नाश्ते से पहले 2 चम्मच इस्तेमाल करना है जी, अगर हम अपना मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं और पेट कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जौ का सत्तू 2 चम्मच रोजाना नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पर जो चीज हमने करनी है वो है हर खाना खाने के बाद अंगूर का सिरका 1 चम्मच रोजाना हर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इससे भी हमारा मोटापा कंट्रोल रहेगा और पेट भी इंशाल्लाह अजीज कंट्रोल में रहेगा। और चौथे नंबर पर जो चीज हमने करनी है वो है ताजा दरिया की मछली इस्तेमाल करनी है, लेकिन खजूर के साथ। इस तरह ये होगा कि पेट जल्दी कम होगा और मोटापा भी कंट्रोल होगा। ये चौथे नंबर पर चीज़ है, खजूर के साथ दरिया की फ्रेश मछली, ताज़ा मछली इस्तेमाल करनी है और हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा इस्तेमाल करें। और पांचवें नंबर पर चीज़ है जी, गोश्त का इस्तेमाल कंट्रोल में लाएं, हफ्ते में कम से कम सिर्फ 2 मरतबा गोश्त इस्तेमाल करना है। और हर मरतबा एक टाइम आपने जो गोश्त खाना है वो 1 छटांग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी शोरे पर गुजारा करें जी और अपने आप को कंट्रोल करें, मोटापा कंट्रोल करें। बाकी हफ्ते में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वो जो मछली हमने बताई है उसका इस्तेमाल करें। इस तरह आपका मोटापा कंट्रोल में रहेगा। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और ताकि मैं खुद भी इन पर अमल करना शुरू कर दूँ। अभी मेरा खुद का भी मतलब ये जब जिक्र करता है ना बंदा किसी चीज का, तो उसका फायदा ये होता है कि किसी ना किसी चीज पर फिर खुद अमल करना भी शुरू कर देता है। तो ये सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। और छठे नंबर पर जो हमने काम करना है वो ये है कि अखरोट का इस्तेमाल करना है, लेकिन अजवाइन के साथ। और उसका तरीका यह है कि आधा चम्मच अखरोट पिसे हुए हों और अजवाइन भी तकरीबन आधा चम्मच हो जाए तो उसका इस्तेमाल यानी 1 चम्मच बन जाएगा, रात के वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल ना करें, पहले आहिस्ता आहिस्ता चेक कर लें अपनी तबीयत को कि हमें ये किस तरह ये चीज़ रास आती है।
और हाँ, एक और चीज है कि कोई भी काम आपने करना है, पहले थोड़े से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें। पहले अपने बॉडी को चेक कर लें, अपने जिस्म को चेक कर लें कि क्या ये चीज मेरे लिए काबिले बर्दाश्त है या नहीं है, इससे मेरी तबीयत कुछ ज्यादा अपसेट तो नहीं होती। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी रिकमेंडेड डोज है वहां तक अपनी उस चीज को लाएं, अपनी उस खुराक को लाएं, अपनी उस डोज को लाएं, अपनी उस दवाई को लाएं। तो मेरा ये है मशवरा आपको, एक चम्मच अखरोट और अजवाइन पीस कर रात के वक्त इस्तेमाल करना है। रोजाना इस्तेमाल ना करें, पहले आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले चेक करके फिर इस्तेमाल करें। सातवें नंबर पर जो चीज हमने इस्तेमाल करनी है वो है 2 चम्मच सना मक्की, 3 गिलास पानी के अंदर डाल के उसको उबाल लेना है अच्छे तरीके से, और इस तरह उबाले कि पानी सिर्फ 1 गिलास बाकी बच जाए। जब पानी 1 गिलास बाकी बच जाए तो उसको जाहिर है नीचे उतार लें, ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए पानी, उसके अंदर गुले मोहम्मदी के पत्ते 1 चम्मच डाल दें। गुले मोहम्मदी नाम है जी एक गुल का, तो माशाल्लाह नाम भी बहुत प्यारा है। 1 चम्मच हमने उस 1 गिलास में डाल देना है जो उबालने के बाद बाकी बच गया है, और डाल देना है। फिर हमने उसको ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है, और रात के टाइम इस्तेमाल करना है। और इस दवाई को, इस मेडिसिन को यूज करने के बाद होगा ये कि मोशन होंगे, उस परेशान नहीं होना, उसी से ही आहिस्ता आहिस्ता चर्बी और जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से ये मोटापा होता है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि पहले कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसकी डोज हल्की रख कर पहले अपनी बॉडी को चेक करें, अपने वेट के मुताबिक उसको यूज करें। जाहिर है एक बंदा 100 किलो का होता है, एक बंदा 80 किलो का होता है, कोई 60 किलो के भी है, तो और इसी तरह एज डिफरेंसेस भी हैं, और फिर इलाकाई डिफरेंसेस भी हैं, और वर्क लोगों की एक्सरसाइज की नोयत डिफरेंट होती है, काम की कैफियत मुख्तलिफ होती है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंसान पर और उसकी खुराक पर और उसकी वो जो मेडिसिन वो जो ले रहा है उस पर असरअंदाज होकर अल्टीमेटली इस बॉडी पर असर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद नोट करनी है, खुद देखनी है, और समझ बूझ करके अवेयरनेस पूरी लेके फिर कोई चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, फिर उसका फायदा होना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यहाँ एक बात और भी बता दें कि वो ख़वातीन जो हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, और वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो सना मक्की का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उनके लिए सना मक्की का इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जनाब मोटापा कंट्रोल करने के लिए हमने आपके साथ शेयर की हैं, और ये जनाबी आला हमने तिब्बे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये सारी चीज़ें लेकर अपने लफ्ज़ों में, अपने मफहूम में, अपने तरीके से, अपने अंदाज में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस कोशिश का अजर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।